जब भी प्रतिज्ञा लेने का मन करे तो याद रखना कि भाई कैसे ली जाती है। जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का तो दंड है नहीं। साफ साफ लिखा है, हमने कोई प्रतिज्ञा नहीं ली तो कोई पाप नहीं हो गया। जैन धर्म में प्रतिज्ञा ना लेने का तो है दंड है नहीं। जैन धर्म में तो ऐसा उपदेश है, देखियो बहुत अच्छे से, कि पहले तो तत्व ज्ञानी हो, फिर जिसका त्याग करे उसका दोष पहचाने। ऐसा भी नहीं कि वह तत्व ज्ञानी होगा बस त्याग कर देना, मैं ये त्याग क्यों कर रहा हूं, इसमें दोष क्या है। और सुनो, फिर उसका त्याग करे उसका दोष पहचाने, त्याग करने में जो गुण हो उसे जाने, कि अगर मैं त्याग करूंगा तो इससे क्या फायदा होगा, इसकी क्या क्वालिटी होगी। फिर अपने परिणामों को ठीक करे, वर्तमान परिणामों के भरोसे ही प्रतिज्ञा ना कर बैठे। देख इधर अभी तक साफ साफ ले, अभी बात तो मैं बोलता हूं कि सम्यक दर्शन के बिना कोई नियम धर्म, ये इसी लैंग्वेज को मैं उस लैंग्वेज में बोलता हूँ, यही बात बोल रहा कि भाई सम्यक दर्शन के बिना प्रस्थित संयम नहीं लेने चाहिए। अभी ये लिख रहा है टोडमल जी साहब, तो कई लोगों को लगता है अरे साहब ऐसे में तो आप स्वच्छंदी कर दोगे। क्यों स्वच्छंदी कर देंगे, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि खाओ पियो मजे करो, हमें कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, फिर हम तुम्हारे बाद में खाने पीने की बात करेंगे। हमारा जोर तो सम्यक दर्शन पे है। हमारा जोर काय पे है, हमारा जोर तो केवल और केवल सम्यक दर्शन पे है, तत्व ज्ञानी होने पर है। हमें आपके खाने पीने की, आपके संयम की चिंता इसलिए नहीं है कि सम्यक दर्शन के बिना जब संयम होते ही नहीं समझो आप। मुझे एक बात बताओ, मेरा बेटा अभी 5वीं क्लास में पढ़ता है और मैं उसके IAS बनने की चिंता करूं तो मूर्खतापूर्ण है कि नहीं। कि IAS काय की चिंता है कि मेरा बेटा IAS बन जाए। अरे भाई अभी तो बहुत दूर की बात है, पहले 5वीं से 10वीं तक तो पढ़ ले और 10वीं से 12वीं तो पास कर ले। वो कितने नंबरों से कर रहा है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है कि नहीं, तब तो तुम सोचना। अभी से क्यों सोचते हो, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव मुनि धर्म की चिंता कर रहा है। कौन से धर्म की, अभी सम्यक दर्शन का ठिकाना नहीं है और मुनि बनने की प्लानिंग चल रही है, संयम लेने की प्लानिंग चल रही है, त्याग व्रत की समाधि मरण की तैयारी चल रही है। बिना सम्यक दर्शन के समाधि मरण होता है किसी का, है होता है, होता है कि नहीं है। अभी कल एक महाराज बोल रहे थे, बोले ये प्रतिमाएं सच्ची नहीं है। कि क्यों, कि साहब इनके किसी का समाधि ग्रहण नहीं होता। मैंने प्रतिमा से समाधि ग्रहण होता है, कल पे है कि नहीं आए, कि आत्मा की दृष्टि से समाधि ग्रहण होता है। मैं प्रतिमा और नहीं प्रतिमा के बारे में बोल ही नहीं रहा। अरे भाई समाधि मरण तो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। जो जीव आत्मा को ग्रहण करता है, आत्मा की दृष्टि करता है, वो जीव ही समाधि मरण करता है। नहीं समझ में आया, उसमें प्रतिमा किसने विराजमान करी, किसने सूर्य मंत्र दिया, इससे समाधि मरण का क्या है, गढ़ में है, लेकिन जगत में तो चलता है। तो भाई अपने को तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि सबसे पहले जीव को अपने आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। पर उसमें प्रश्न ये भी आ सकता है कि साहब आत्मा का ज्ञान कैसे करें। देखो भाई, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ना बहुत शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है, ना बहुत मंदिर जाने की ज़रूरत है, ना बहुत प्रवचन सुनने की ज़रूरत है, ना बहुत तीर्थ क्षेत्रों पे जाने की ज़रूरत है, ना बहुत महाराजों के पास जाने की, ना पंडितों के पास, किसी के पास आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आत्मा की पहचान चाहिए बस। और सुनो, आत्मा की पहचान भी बहुत कठिन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आत्मा की पहचान करने में 10-20 वर्ष लगे। आत्मा की पहचान 5 साल का बच्चा कर सकता है, 10 साल का बच्चा कर सकता है,
जब एक 2 साल का बच्चा 2 ही साल का है, 2.5 साल का है, और जरा सी उसको मिर्ची चखा दो, क्या चखा दो, मिर्ची, तो जल गया, मुंह में तकलीफ हो गई, और उसे फिर दो वो मिर्ची तो लेता है, लेता है, और जरा सी मिठाई चखा दो तो फिर बार बार मांगता है, और मिर्ची दिखाओ तो भागता है। तो जब 2 साल का बच्चा भेद ज्ञान कर सकता है तो 60 साल का बुढ़ा नहीं कर सकता है, 20 साल का आदमी नहीं कर सकता, 30 साल का आदमी नहीं कर सकता। कि मतलब क्या है कि अरे सीधा सा गणित है, आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ है, आत्मा जानता है देखता है, ये आत्मा की नेचर है, ये आत्मा का स्वभाव है, और ये स्वभाव प्रकट है कि कहाँ प्रकट है, कि तुम जान रहे और देख रहे हो ना, ये टेबल तो नहीं जान रही देख रही, यहाँ से अभी बात तो ठीक बता दी, जान तो बस तुम आत्मा हो, ये तुम्हें आत्मा की पहचान मिल गई कि और ये शरीर और ये राग आदि विकारी भाव कि ये तुम्हारे नहीं है, क्योंकि ये पुद्गल के हैं, इनकी भी पहचान मिल गई। अब किस पंडित के पास जाना, अब कहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, बैठ के इनका भेद ज्ञान करो, बैठ के अनुभव करो।